गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज जो है उसका थर्ड क्वेश्चन जो है फैक्टराइज दी फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। इस एक्सरसाइज में कम से कम 8, 9, 10 आइडेंटिटीज़ हैं, 10 आइडेंटिटी आप पढ़ लेना। तो पहला क्वेश्चन है, ये है 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, इसमें x² और y² दे रखा है, इसमें खाली y² दे रखा है। तो जिसमें खाली एक स्क्वायर दे रखा उसको तो हम स्प्लिटिंग करके कर सकते हैं, ये तो आपने कर रखा ऑलरेडी, ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में कर रखे हैं स्प्लिटिंग वाले। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मगर इन्होंने यहाँ खाली आइडेंटिटी वाले कह रखा, तो हम इसको स्प्लिटिंग वाले मेथड से भी नहीं करेंगे, तो हम इसको आइडेंटिटी वाले मेथड से ही करेंगे, हम नहीं कर सकते स्प्लिटिंग वाले मेथड से, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाने के लिए कहा, तो आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे, देखते हैं कैसे आइडेंटिटी लगानी है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए कर रखा ऑलरेडी। तो यह है 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक। तो हमारे एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, सारे प्लस वाले हैं, तो प्लस वाली आइडेंटिटी हमारी क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, वो कहती है x² प्लस 2xy प्लस y², सारे प्लस के। इस क्वेश्चन में ये चीज़ क्या है, ये चीज़ दे रखी है आइडेंटिटी की। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं इस चीज़ को मैं इस चीज़ में चेंज करूँगा, क्योंकि 9 दे रखा है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर के साथ 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 9 हो गया एक्स का x², तो मैंने क्या इसको क्या ऐसे लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, तो ये ऐसा बन गया प्लस 2 फॉर्मूले में इनटू, अब ये क्या था हमारा x के साथ क्या था 3x, तो 3x इनटू y के साथ कुछ नहीं है, तो y आ गया, ठीक। तो ये फॉर्मूले ऐसा खुल गया, 2 इनटू x हमारा क्या है पूरा 3x है, x यहाँ पर था फॉर्मूले में, तो ये क्या है पूरा 3x y की जगह y आ गया, ठीक, प्लस y², क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा y के साथ, तो y² आएगा। तो ये क्या हुआ, हमारी एक आइडेंटिटी इसके सिमिलर हो गया है ये। तो हमने क्या करना है, ऐसी फॉर्म में लिखना है फैक्टर करने के लिए, स्मॉल फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या x प्लस वाई है, तो x हमारा क्या है यहाँ पर, x हमारा क्या है 3x, तो 3x आ गया, प्लस y हमारा क्या है y है, तो y का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर मतलब इसको दो बार लिखना होगा, 3x प्लस ब्रैकेट आ गया, 3x प्लस y ब्रैकेट आ गया। तो ये आपके फैक्टर हो गए इस क्वेश्चन के, ठीक है नहीं आसान। बस हमें क्या करना है, इसको हमें इस चेंज में इस फॉर्मूले की तरीके से लिखना है, और हमें ढूंढना है कि एक्स क्या है वाई क्या है, बस उसके बाद हमने इसको इस फॉर्मूले की जो फॉर्म है इसमें चेंज कर देना है, और पावर देखनी है उतनी बार हमने उसको लिख देना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के लास्ट में गोल आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक करके आपको बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब करने का, और वीडियो की लास्ट में लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि ये है, इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन में क्लिक करें, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।